हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए और स्पेशली सिचुएशन है नो कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, ब्लॉक है, जो भी है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है उसके लिए रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं कि आज क्या निकल के आता है। स्टार्ट ऑफ द जून एंड गेटिंग पॉजिटिव मैसेजेस, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी हद तक कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि जिनके नहीं आए उनके प्रॉब्लम्स क्या है और कब तक आने के चांसेस हैं। ओके, पहले एनर्जीज चेक करेंगे। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज, द थिंकिंग वुमन, ओके, डोर टू वैल्यू, विक्ट्री, गॉडेस ऑफ द मून 52, सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, बॉटम देखें मैजिशियन इन द मिरर। तो दो बातें से कंफर्म तो हो रहा है और जैसे सुबह की एक रीडिंग की थी तो उससे कंफर्म हो रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते तो बहुत ज़रूर है, बहुत ज़रूर। और इनकी लाइफ में स्पेशली रिलेटेड टू पैसे, कैसे भी तरह कि किसी को देने पड़ेंगे या कंस्ट्रेंट है या लॉस है या पाना चाहते हो, तो वो हर चीज़ की वजह से रुके हुए हैं, कुछ ऐसा सोल्यूशन में ढूँढ रहे हैं कि जहाँ पर उनके पास ये सिचुएशन उनके हक में आ जाए। क्योंकि फ़िलहाल ऐसा लग रहा है ना कि कुछ भी करो सिचुएशन उनके हक में नहीं है, तो वो चीज़ उनको फील हो रही है। इनके पास जैसे ना आपको सिर्फ दिल से या टेलीपैथी के लिए कनेक्ट करने का कुछ ऑप्शन नहीं है, ऐसा मुझे अचानक से वाइब्स आ रही है। तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे लिटरली आपको फील किया जा सकता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ है कि जहाँ पे आप लव वाइब्रेशन सेंड करते हो तो वहाँ पे उनको रिसीव होती है, और वो जो लव वाइब्रेशन आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको रिसीव हो सकती है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये काफ़ी हद तक आपके डीपीज, आपके स्टेटस, स्टोरीज, आपकी फ़ोटोज़ काफ़ी हद तक देखते हैं। यस, बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखते हैं, लिटरली ऐसे इस तरह से देखते हैं, स्पेशली इन द नाइट टाइम। वो ये सब लाइक इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। ये अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक छुपा के चल रहे हैं, आपके सामने कुछ भी नहीं दिखा जा रहा। आपके सामने ऐसा लग रहा है कि ना अच्छे अच्छे स्टेटस है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके लाइफ में। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास अगर सब कुछ है भी ना, बस एक छलावा है, एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे वो खुद इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। होने के लिए या तो कुछ नहीं है, या तो ऐसा है ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी एक मिसिंग एलिमेंट है, वो है सोल का। क्योंकि कुछ भी करो आप, क्योंकि कुछ भी हो जाए और कुछ भी करो आप, एक जो सोल हैप्पीनेस है, एक सोल कनेक्शन है, आपको किसी भी हद तक मिलता ही नहीं है। किसी एक पर्सन से एक जो सोल कनेक्शन फील होता है वो किसी और से नहीं मिल सकता। और ये इसमें ना आपकी उनकी जो एक बोलते ना गलती या ऐसा कुछ ये नहीं है, ये बस एक जर्नी का पार्ट है, आप लोगों की सोल जर्नी का पार्ट है। कि यही तो चीज़ है जो एक आपसे वो एक लाइफ पर्पस करवाती है, कि आपको एक सोच बदलती है, आपकी एक स्ट्रेंथ बदलती है, आपकी मतलब हर एनर्जी चेंज करती है। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 24, 11, 4, 7 लाइक ना राहु केतु का काफ़ी हद तक कनेक्शन शुरू है। जैसे ना दिमाग और दिल दोनों कहीं और ही
डायरेक्शन में है, ये तो ज़्यादा फील ही होता है। तो कुछ भी हो जाए, ये पर्सन अपनी जीत चाहते हैं, लेकिन अपनी सोच पे कायम रहना चाहते हैं कि सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, जो भी है, निगेटिव हो, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, थर्ड पार्टी हो, इससे बाहर निकलना चाहते हैं और उसी के लिए वो रास्ते ढूंढ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। फिलहाल तो उनकी बेसिक चीज़ों के ही लाइक ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे रूटीन लाइफ है, लेकिन लाइफ में वो मतलब जी तो रहे लेकिन जीने का एहसास नहीं है। ये वाली चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत स्ट्रांगली। ये बहुत इमोशनल है, अपनी इमोशंस हाइड करके रखे हैं, लेकिन टेलीपैथिक कनेक्शन वो तो आपके साथ कर सकते हैं और उसी का किसी को अंदाज़ा भी नहीं है, वो चीज़ उनमें स्ट्रांग दिख रही है। आप लोगों के बीच में लिटरली टेलीपैथिक कनेक्शन हो रहा है। कुछ हद तक ऐसा है ना कि आप इतना गुस्सा हो, आप नाराज़ हो, आप दुखी हो, इसकी वजह से शायद आपको वो एनर्जी या वाइब्रेशंस फील नहीं होते होंगे, लेकिन अगर आपकी एनर्जी चेंज होती है, आपके मैनिफेस्टेशन आप कर पाओगे, तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि ये पर्सन ड्रीम्स में आके, लिटरली ड्रीम्स में आके, या फिर कहीं आसपास ही होके, काफ़ी हद तक मुझे स्ट्रांग चांसेस है कि ड्रीम्स में आके आपको लिटरली बताना चाहेंगे कि वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो किस मुसीबत में है या क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ से निकलना चाहते हैं। तो वो मुझे काफ़ी दिख रहा है। लेट्स सी, मिरर एनर्जी चल रहा है, मिरर एनर्जी। Nine of Wands, the Emperor, Four of Wands, Ace of Cup and Queen of Sword, Page of Swords, Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, Four of Cups, Two of Swords, Page of Swords bottom देखिए, Page of Wands, okay, मैं सोचू दो बार कैसे, Page of Wands bottom deck की energy है। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जिस तरह से इनकी एनर्जी चेंज हो गई है ना, तो वो चीज़ लेकिन इतना आसान नहीं है, ऐसा ना घुमा फिरा के आएगा, वो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। यही आपके ऊपर नज़र रखे हुए है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसा मुझे ना फील हो रहा है कि इनके पास ना मेरा रास्ता नहीं है आपके पास आने का, जुड़ने का, या फिर एक डिसीजन नहीं है आपको कुछ कहने का। एग्जाम्पल के तौर पे वो कमिट तो करना चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप की एनर्जी आई है और मुझे दिखा रहा है कि अनकंडीशनल लव, वो प्यार है ना, वो सच्चा है और भर भर के हो रहा है, लेकिन ना उफल तो रहा है, उफान तो है उसमें, लेकिन उस चीज़ का कैसे डायरेक्शन दिया जाए चैनल में उनको पता नहीं। किसी सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा स्टक है, कोई चीज़ जो उनको दिमाग में लिटरली मतलब ऐसे खा रही है, ये सिचुएशन मुझे फील हो रहा है। जो दिल और दिमाग की जो एनर्जी है ना, दिल और दिमाग की जो उलझन की एनर्जी, वो चीज़ उनमें काफ़ी ज़्यादा एक ना उनको लिटरली हेडेक देती है, ऐसा हेडेक कि जहाँ पे मतलब वो परेशान हो गए, ऐसा वाला फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि किस इस चीज़ का क्या करूँ मैं। ये काफ़ी हद तक ना चिड़चिड़ हो जाते हैं कि अपनी सिचुएशन से तंग आ गए हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, काफ़ी बोरियत है लाइफ में, रूटीन सा लाइफ है, क्योंकि जो चल रहा है ना उससे वो खुश नहीं है और जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। काफ़ी हद तक अपने ही लाइफ में कभी उदास होते हैं, कभी कंफ्यूज होते हैं, कभी परेशान होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश तो कर रहे हैं,
स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, इतनी चोट खाने के बावजूद भी या चोट खाने की वजह से ऐसा लगा कि नहीं ये रिश्ता ये पर्सन वर्थ है इस चीज़ के लिए आए, तो ये कांटेक्ट में आने की कोशिश तो ज़रूर करें। तो इनकी एनर्जी धीरे धीरे से चेंज तो हो रही है, काफ़ी हद तक ये सोल कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब्स दे रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये सारी सिचुएशन में ना उनका एक अप्रोच ही ऐसा है कि फिलहाल काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना बंधे हुए हैं उसमें, उसमें ना वो उससे बाहर निकलने की एनर्जी, लेकिन एनर्जी इतनी स्लो है और डिफ़िकल्टीज़ इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से एनर्जी स्लो होती जा रही है, लेकिन ये निकलना तो चाहते हैं, इच्छा तो है, उसके लिए तो ऑप्शंस या सॉल्यूशंस या कुछ ना ऐसा ढूंढ रहे, एक छोटे से लेवल से सही कहीं ना कहीं से कुछ तो ऑप्शन मिले और आपकी तरफ कम्युनिकेट कर पाए, ये उनको लग रहा है। यस, ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, खास करके अपनी सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है, उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है, इस बारे में वो सोचना ज़रूर चाहते हैं और आपसे डिस्कस भी करना चाहते हैं, आपको लिटरली मनाना चाहते हैं। उनको पता है कि आप नाराज़ हो, दुखी हो, चिढ़ गए हो, लेकिन मनाना चाहते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपनी पोजिशन या अपनी जो स्टेटस है ना, वो जो फ़िलहाल क्या चल रहा है वो समझाने की कोशिश, लेकिन ऐसा है ना कि कुछ चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उनकी पेरेंट्स या ऐसा कुछ है जो फाइनेंशियल स्टेटस हो या उनकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है, बट उस चीज़ का वो सोल्यूशन ज़रूर निकालना चाहते हैं। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ सकता है और ये कुछ लोगों को अगले 9 डेज में मिल सकता है और कुछ लोग को 4 डेज में और कुछ लोग को आज के आज ही मैसेज आ सकता है, कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि एनर्जी धीरे धीरे चेंज हो रही है और सबसे बड़ा चीज़ कि आपके लव वाइब्रेशंस, आपकी फॉरगिवनेस, हर चीज़ काम कर रही है और नहीं कर रहे हैं तो आप करना चाहिए क्योंकि यही चीज़ उनकी एनर्जी शिफ्ट कर रही है, लाइक मिररिंग ऑफ द एनर्जी चल रहा है। तो अगर आप पॉजिटिव एनर्जी मिरर करेंगे, लव वाइब्रेशन सेंड करेंगे, मैनिफेस्टेशन करेंगे, तो वो चीज़ उनको ताकत देगी, हिम्मत देगी और वो चीज़ आपको लेकिन उनकी तरफ से कम्युनिकेशन होगा और सोल्यूशन निकलते जाएंगे, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लेट्स सी कि यहाँ से क्या निकल के आता है। मैच्योरिटी, क्रिएटिविटी, डिवाइन मास्कुलिन, लव एंड चिवलरी। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है यस, इनकी तरफ से मूवमेंट होगा, कॉल मैसेजेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लिटरली उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ एक्शन आ रहा है उनके लाइफ में या माइंडसेट में। एनर्जी चेंज हो रही है, पहले डिस्टॉर्टेड थी, अभी डिवाइन की तरफ मूवमेंट कर रही है डेफिनेटली, क्योंकि इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, कोई चीज़ का जैसे ना एहसास हो गया कि ये चीज़ क्या होनी चाहिए, मैं क्या कर रहा था या गलती कर रहा था, उसका कर्मा की वजह से वगैरह, उनकी एनर्जी चेंज हो रही है और वो लिटरली वो एक डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ऐसा नहीं कि वो हर किसी के डिवाइन मास्कुलिन है, नहीं, ये एनर्जी की बात है और वो चेंज हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। एक इमैच्योर एनर्जी थी जहाँ पे ज़िद, गुस्सा, इनसिक्योरिटीज़ सब कुछ, बस एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे सोचने समझने का तरीका ही प्रैक्टिकल था, लॉजिकल था, अभी उस चीज़ में इमोशंस भी शामिल हुए, तो दिल और दिमाग को बैलेंस करने की एनर्जी ज़्यादा है। ये एक्सट्रीम लव फील कर पाते हैं आपके लिए, एक ऐसा कनेक्शन है ना जहाँ पे इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है, एक सच्चे प्यार का एहसास काफ़ी ज़्यादा है और ये आपके साथ इतने फ्यूचर देखते हैं, लिटरली एक क्रिएट करना चाहते हैं, एक फैमिली हो या आगे आपके साथ कुछ सफ़र हो, वो चीज़ वो क्रिएट करना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। बी रियल, फुल मून इन एक्वेरियस, तो बी रियल, जो भी है आप अंदर से जो भी हो वो दिखाओ,
तकलीफ है, सब कुछ है, बट उसे मिटाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि रोते थे तो ये लिखना है, बट जितना है, मुझे जब भी आपकी रीडिंग किया ना, मुझे एकदम वो स्ट्रेंथ की एनर्जी आती है जहाँ पे आप ना अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो, नहीं आप पावरफुल हो ये आपको समझ रहा है। एंड बी रियल, जो भी है आपका जो सच है, आपकी ऑनेस्टी है, वो आपका इनोसेंस है, वही चीज़ आपको खास बनाता है। एंड कीप योर हार्ट ओपन। तो मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि यस, ये जो हार्ट चक्र ब्लॉक किया हुआ है आपने, मतलब उनकी तरफ से जो कम्युनिकेशन रिसीव नहीं हो रहा है ना टेलीपैथी के लिए भी, ये आपने अपने आप को हार्ट ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो प्लीज़ आपकी एनर्जी शिफ्ट चेंज कीजिए, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जो पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, अदरवाइज कहीं पे मेरा नंबर मेंशन नहीं है, तो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ द फेक कमेंट्स और जो भी हैं लोग, क्योंकि स्पैम बहुत हो रखा है, तो बी केयरफुल। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।